subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई के वाशी में पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे द्वारा भव्य कोकण महोत्सव का आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में यह कोकण महोत्सव संपन्न हो गया है। इस कोकण महोत्सव का उद्घाटन आमदार शशिकांत शिंदे के हाथों किया गया था। इस कोकण महोत्सव में आमदार शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े, नवी मुंबई कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक व अन्य मान्यवरों की खास उपस्थिति रही। यह कोकण महोत्सव 10 दिनों का था। इस कोकण महोत्सव का उद्देश्य लोगों को कोकण संस्कृति का अनुभव करवाना था। पूर्व नगर सेवक विक्रम राजू धनाजी शिंदे ने कोकण महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए मुस्लिम बंधुओं को आने वाले रमजान ईद की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो प्रगति मित्र मंडल और महाराष्ट्र वृत्त दर्शन के माध्यम से गए 16 साल से कोकण महोत्सव का आयोजन किया जाता है और कोकण महोत्सव के उत्सव के ओपनिंग समारंभ पर नवी मुंबई के हमारे राष्ट्रवादी के नेता और विधान परिषद में पक्ष प्रतोद श्री शशिकांत शिंदे साहब, आमदार साहब, नवी मुंबई जिला राष्ट्रवादी अध्यक्ष गावड़े साहब, नवी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष अनिल भाई कौशिक, मंडल के अध्यक्ष छन्नू भाई शिंदे, मनोज पाठक और हमारे विभाग के सभी तमाम माता और बहनों और ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित थे। उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है कि जिस प्रकार से हम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और ये सब कार्यक्रम करते वक्त एक कल्चर और जो यहाँ की लोकल संस्कृति होती है उसका आयोजन करना हमारा कर्तव्य होता है। और हम कोकण भूमि में हैं और यहाँ पर पूरे देश से अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देहात से आए हुए लोग यहाँ पर हैं और ये मिनी इंडिया कहा जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि कोकण में जो यहाँ की उपज है, जैसे यहाँ के फिश है, अनेक प्रकार के मसाले हैं, पापड़ है, अचार है, ड्राई फिश है, पापड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की, जैसे आम पापड़ है, अलग अलग प्रकार के आटा है जिसे मराठी में थाली पीठ, कुमड़ी वड़ेचा पीठ, ऐसे अनेक चीज़ें होती है कि जो लोगों को बाहर मार्केट में या किसी मॉल में नहीं मिलता है। ये सब होममेड होता है, अच्छी चीज़ और कम कीमत पे मिलने का एक प्लेटफॉर्म करने का प्रयत्न हम हमेशा करते हैं, जिसका इंतज़ार यहाँ के नवी मुंबई करों को हमेशा से 1 साल से इंतज़ार होता है कि अगला प्रोग्राम, अभी कल प्रोग्राम, आज हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आज हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गए, लोगों की अपेक्षा कि अगला साल कितने बजे प्रोग्राम आ, कब लगेगा प्रोग्राम। तो ये जिज्ञासा जब लोगों में पैदा होती है तो हमें बहुत इस चीज़ का समाधान मिलता है कि आज 16 साल से अगर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार के किंतु परंतु कोई भी लोगों के मन में शंका नहीं है, हर जाति धर्म के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो यही प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम पूरे शहर में अलग अलग जगह पर होने चाहिए जिससे कि धर्म के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो यही प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम पूरे शहर में अलग अलग जगह पे होने चाहिए जिससे कि लोगों को अच्छी चीज़ें कम कीमत पे मिले कि कोई मिलावट ना हो, क्योंकि ये लोकल महिलाओं का प्रोडक्ट है, बहुत सारी महिला संस्था है जो ये प्रोडक्ट साल भर बनाते हैं और इस प्रकार के महोत्सव से इस चीज़ की बिक्री होती है। तो मैं सबसे पहले तो सभी लोगों का मैं दिल से आभार मानता हूँ कि इसी प्रकार का सहकार्य उन्हें, उनका हमेशा मुझे मिला है, हर चीज़, हर प्रोग्राम, हर कार्यक्रम को उनका मिलता है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आने वाली जो ईद है, आज कल परसों में एक दो दिन में ईद हो जाए, आ जाएगी, चांद दिख जाएगा, तो मैं सभी सिर्फ मुस्लिम भाइयों को ही नहीं तो हिंदुस्तान में भाईचारा रखने वाले हर नागरिक को मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और कल आज हमारा महाराष्ट्र मे दिन है, मे दिन और
कामगार दिन की मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। इस तरह ये कोकण महोत्सव बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज बेनवंशी के साथ मुस्कान मकानदार की रिपोर्ट, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।